अब ये जो लठ मारा है ना एक लम्बरा काम कर रहा है, अरे दाले कोई भी हो वो को धरना दे दे है, रपिए खाओ भी बहुत ज्यादा खाओ। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। डाके मारन बताई वे 20-20 लाख रुपया लागे सरपंच बने हैं। मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा में नहीं हुआ। अच्छा, की सरपंच कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, तो इसका कौन सा काम बढ़िया कर दिया या काम बढ़िया आपका दिए और बोल रहे हैं के काम रुक रहा, सारे काम होने पल्ला के करया था इनती। अच्छा, नु बता के काम रुक रहा, बता सारे काम बन लाग रहे, बता जोड़ा ही बन गए। आपका नाम क्या जी? संदीप नारा। संदीप नारा बात बोल रहा है अकबाई काम में कोने कुछ हो रहे। हाँ जी बोलो जी, पूरी हो गई। जारी आंडू देखना बस आदर्श कर विक्रम की राम राम और भी आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भाई आपने पिछली वीडियो में देखा था कि जो आज़ाद सिंह और भाई जो गांव से है भाई इसी गांव से जो सीएम जी का जो गांव है इसी गांव से है, और मैं तो उसे एक बात पूछना भूल गया था क्योंकि अंकल जो आज़ाद सिंह तो बोल रहे थे कि जो सीएम है वो बहुत अच्छा काम करा रहे हैं, लेकिन इधर साइड है ये बोल रहे थे कि आपका नाम क्या था पहले? राजवीर नेहरा भाई। जो राजवीर नेहरा है ये बोल रहे कि गांव कुछ नहीं विकास करवाया, तो फिर आप ये बताओ जो आपके गांव का है जो सीएम ने कुछ विकास नहीं करवाया तो फिर पहले किसने विकास करवाया आपके गांव का? पहले तो देखो भाई शुरू से तो क्या है चौधरी देवीलाल ने ही कराया। हाँ, जो भी पूरा हरियाणा का विकास तो चौधरी देवीलाल ने, फिर चौधरी ओम प्रकाश ने भी कोशिश बहुत करी। अच्छा, बाकी हाँ फिर बदनलाल तो भ्रष्ट को आया है, भ्रष्ट बदनलाल है। बाकी तो फिर ये तो ये खटरी को आई है। तो नहीं आप ये बात क्यों बोल रहे बार बार, मतलब वाक्य में कुछ काम करा को ना आपके गाँव का? बिल्कुल नहीं, ये तो सामाजिक काम है भाई, छोटा मोटा भाई गाल ही बनवा दी वो बनवा दी, ये तो कोई खास बात नहीं है। ये तो वो अंधेरे में है भाई सबके, बाकी बिल्कुल कोई ऐसा खास काम नहीं करवाया। तो आजाद सिंह ये बोल रहे काम कौन कराया गाँव का? मैं संसार में सारे तो भगवान को अपना सारा हूँ, को हमारे थोड़े थोड़े दे दिए, को हमारे छोरी दे दिए परमात्मा पर भी। अच्छा नहीं, खुद मुख्य आजाद सिंह बीजेपी की सराहना कर रहा, खुद आजाद सिंह का रास्ता ब्लॉक कर रखा है बीजेपी के चहेते लोगों ने, उनको नहीं निकलवा सकता, इसको तो कम से कम शर्म आनी चाहिए बीजेपी की तारीफ करते हुए। पहले वीडियो बोल ये बात है की मैं तो जब ये सम्मान कर थे नहीं तो उसने बोला था मेरे बच्चे लगवा दो, उसने बात बोली थी की मैं ऐसा काम नहीं करता क्योंकि मेरी खुद की बहन का दो छोरा मुझे लगवा तेरे के लुआंगा। ऐसा है तो ईमानदारी का कोई परिचय दिखा रहे हैं? देखो मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदारी का कोई परिचय नहीं दिखा रहे। अच्छा, मनोहर लाल खट्टर से ज्यादा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक हरियाणा में नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, एक जो मामला चल रहा है हरियाणा में सरपंचा का, तो उस पर क्या कुछ राय है आपकी? जो यह सरकार है सही काम करिए गलत कर रही है जो बबली जी? देखो सरपंच अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया काम कर रखे। अच्छा अच्छा। हाँ, रपिए खाओ भी बहुत ज्यादा खाओ। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। डाके मारन बताई वे 20-20 लाख रुपया लागे सरपंच बने हैं, किला ही बेच देखा था तो ला लो उसमें ला लो पूरे भी करेगा वो। अच्छा, कुल मिलाकर बात कर जाओ तो बीजेपी सरकार है जो हरियाणा में, तो काम किस करा रही? बढ़िया करिए अभी जमा, एक लम्बरा बोल रहे काम कुछ ना 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 बढ़िया काम करिए अभी जो लठ मारा है ना एक लम्बरा काम कर रहा है, अरे दाले कोई भी हो वो को धरना दे दे है। इस गांव में दो वोट हो गए भाई, मतलब की वो ताओ बोल रहे आजाद सिंह भाई जो सीएम जी है भाई काम कौन भी अच्छा काम करा रहे हैं, और एक और भी जो वोट होगी, लेकिन ये बोल रहे अभी काम नहीं करा रहे कुछ भी। क्या नहीं, जो सरपंच हैं वो भी वोटों से चुने जाते हैं, विधायक और सांसद भी वोटों से चुने जाते हैं। जहाँ बात करी इस भाई ने भ्रष्टाचार की, सरपंच कोई भ्रष्टाचार नहीं करता, तो फिर कुल मिलाकर सरपंच के साथ गलत काम कर रहे हैं? सरपंचों के साथ जो है बिल्कुल सरासर अन्याय हुआ है सरपंचों के साथ। प्रजातंत्र प्रणाली में हर आदमी को अपनी मांगों को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है। अधिकार है। अच्छा, जो लाठीचार्ज जो करी गई है कितने सही है कितना गलत है? जो चंडीगढ़ में आपने देखा भी होगा सारी की सारी गलत है। लाठीचार्ज करना कोई किसी समस्या का समाधान नहीं है। इनको बैठ करके सरपंचों से उनको समझाना चाहिए था, अगर ई टेंडरिंग में सरकार मानते कि टेंडरिंग ठीक है अच्छा है तो फिर सरपंचों को समझाती बजाय लाठीचार्ज के। अच्छा 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 अच्छा। तो कुल मिलाकर बात करी जावे तो, लेकिन जो बीजेपी सरकार है ये कहो कि आपने तो विकास की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जाने लगी है।
नहीं कोई विकास की रफ्तार कहाँ दिखा दो, विकास कहाँ है? सिर्फ बीजेपी के लोगों के सिवाय किसी का विकास नहीं हो रहा। आज बेरोजगार युवक हैं, वो सड़कों पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज पढ़ा लिखा ना हुआ साथी है, वो कॉलेज और फीस में उनकी फीस वर्दी दर बढ़ा के उनको शोषित किया जा रहा है, है? बुजुर्गों के मान सम्मान की जगह। और ये जो भी साथी, क्या नाम आपका जी? राजू। हाँ राजू तो बोल रहे कि बढ़िया कर रहे हैं काम। राजू से पूछो इसका कौन सा काम बढ़िया कर दिया, या काम बढ़िया आपका जी अगर बोल रहे हैं। के काम रुक रहा, सारे काम होना पल्ला के करया था थी। अच्छा नु बता के काम रुक रहा, बता सारे काम बन लाग रहे, बता जोड़ा ही बन गए, गलिया बन लाग रहे हैं, नलके दबन लाग रहे हैं। ठीक है। और इस तो फालतू के काम चाहिएगा। अच्छा अच्छा जिम्मेदार का जो है यार, अभी तेल बखात पानी आ जाओ, सारा सौदा मिल जाओ, काम गाँव बढ़ने लग गया। 2024 में यही सरकार आओगी, वही पक्का होगी। अच्छा आपने क्या लगा है? क्या मतलब सरकार 2024 चुनाव आने लग रहे हैं, क्या लगा है? यही वापिस सरकार है या दूसरी पार्टी की सरकार आएगी हरियाणा में? 101% परिवर्तन होगा हरियाणा, बीजेपी नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सच्चाई है, बीजेपी नहीं आएगी इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं आवा है। हाँ हमारे गाँव में, गाँव का मुख्यमंत्री धरना लगा हुआ, आप धरने पे जाके देखिए। अच्छा, दो साल से लोग धरने पे बैठे, तब पता चलेगा आपको मुख्यमंत्री कितना अच्छा है कितना अच्छा नहीं है। जी 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 ठीक है। किस विषय को लेकर धरना लगा हुआ है? चकबंदी के विषय को लेकर के। अच्छा 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 अच्छा, हाँ उसमें कहीं ना कहीं जो हमारा साथी था, हमारा चाचा लगा राजू ये बोल रहा था, ये भी उसका शिकार है, इससे पूछियो। अच्छा अच्छा, लेकिन तो बढ़ाई करें उसके पीछे का कारण क्या है वो मुझे नहीं पता। जी 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 ठीक है ना। तो भाई देख सको भाई, जो निदाना गांव में है जो सीएम तो बोल रहे हैं राजू जी भाई, जो बीजेपी सरकार है जो सीएम अच्छे काम करा रहे हैं, लेकिन आपका नाम क्या जी? संदीप नारा बात बोल रहा है अकबाई काम में को ना कुछ हो रहे। हाँ जी बोलो जी कुछ को। मैं नूक उठा इस्तेमाल का है ना, बीच में हमारे गांव के नून तो नून करवा रहे हैं, और खट्टर की गलती को ना, सरकार की गलती को ना, या हमारे बीच में नहीं पड़ पड़ के बीच में रुपये दे लुआ रहे हैं, वो ये गलती कर रहे हैं। और खट्टर एक लेगा बेचारा गांव में, एक लन पीस दे खट्टर, 50 आदमी से हैं वो गांव ने बिगाड़ने का सोच रहे हैं, और उन्हें कांड तैयार रुक रही है, और खट्टर नहीं रोक रहे इसने। काम हो रहे हैं सारे, बढ़िया हो रहे हैं अभी जमा। चलो भाई ये वीडियो बहुत लंबी होगी है, बाकी हम तो आजाद सिंह के पास आए थे क्योंकि उनकी कलाकारी दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन सोचा क्यों ना हम विकास के ऊपर लेकर के है बातचीत कर ले। तो अभी आपने देखा कि जो राजू तो बोल रहे थे अभी कुछ भी जो गाँव में है, जो इस गाँव में है बहुत सारे विकास हुए हैं, लेकिन संदीप नेहरा का ये कहना है कि इस गाँव में कोई विकास नहीं हुआ। और जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।